गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं बीएल अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर डेप्रिसिएशन का एक प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। ऐसा प्रॉब्लम जिसमें मशीनरी अकाउंट के साथ साथ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को भी मेंटेन करना है। इट मींस डेप्रिसिएशन का जो एंट्री है मशीनरी अकाउंट में डायरेक्टली रिकॉर्ड नहीं करके प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। दैट इज एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। ओके, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। 1 अप्रैल, देखिए साल के शुरू में 1 अप्रैल 2012 बेंगलोर सिल्क लिमिटेड परचेज किया एक मशीनरी 20 लाख रुपया का। डेप्रिसिएशन 10% रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, अकाउंट्स क्लोज करेगा 31 दिसंबर। यहां तक देख लीजिए, 1 अप्रैल 12 में एक मशीन खरीदा 20 लाख का, साल के शुरू में खरीद लिया क्योंकि 31 मार्च को क्लोजिंग होता है। डेप्रिसिएशन 10% रिटेन डाउन वैल्यू तो 12-13 बन जाएगा, उसके बाद 13-14 बन जाएगा। ये देखिए उसके बाद वाला ईयर में 1 जुलाई 2014 को पार्ट ऑफ द मशीन जो 1 अप्रैल 2012 को खरीदा था 4 लाख में, उसको 320 में बेच दिया, थर्ड ईयर में जाकर बेच दिया। ऑन 1 नवंबर 2014 उसी ईयर में 1 नवंबर 2014 को एक नया मशीन खरीदा 480 में। तो आपका 3 साल का क्वेश्चन हो जा रहा है, कैसे हो रहा है आप देख लो एक बार। फर्स्ट ईयर इज 12-13, सेकेंड ईयर इज 13-14 और थर्ड ईयर इज 14-15। मार्च का क्लोजिंग है, बोला है आपको मशीन अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोल दिया। डेप्रिसिएशन अकाउंट अपने लास्ट में बना के दिखा देंगे, इसमें कुछ खास एंट्री नहीं आता है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करने के लिए 3 साल का, ईयर एंडिंग 31 मार्च 2015 को सवाल क्लोज करना है। तो फर्स्ट आप देखिए 12 में एक मशीन खरीदा, फिर 12-13 बन गया, 13-14 में कुछ नहीं किया, 14-15 में एक पुराना मशीन बेचा, एक नया मशीन खरीद लिया। ओके, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, ये रख दिया आपके सामने फॉर्मेट इन द बुक्स ऑफ बेंगलोर सिल्क लिमिटेड 1 अप्रैल 2012। 1 अप्रैल 2012 में वो एक मशीन खरीदा, टू कैश अकाउंट, मशीन का दाम 20 लाख रुपया। ठीक है, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन होगा 10% डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपया, और डेप्रिसिएशन को प्रोविजन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2 लाख रुपया। बस इसको सीडीबीडी कर देते हैं, 2 लाख रुपया प्रोविजन अकाउंट में सीडीबीडी 31 मार्च 2013 टू बैलेंस सीडी 1 अप्रैल 2013 बाई बैलेंस बीडी 2 लाख। ओके, आइए मशीन अकाउंट है इसको भी सीडीबीडी कर देंगे, 31 मार्च 2013 बाई बैलेंस सीडी, ये 20 लाख था, 20 लाख में खरीदा था, 20 लाख का ही सीडीबीडी होगा क्योंकि डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के लिए अलग से एक अकाउंट हो गया है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। सेकेंड ईयर में नो परचेज नो सेल, 20 लाख का मशीन है और 2 लाख रुपया डेप्रिसिएशन हो चुका है, तो हम लोग को 18 लाख पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा 10%, 1,80,000 डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, बाई डेप्रिसिएशन 1,80,000। अब इसको सीडीबीडी कर देंगे, 3,80,000, 3,80,000 31 मार्च 2014 टू बैलेंस सीडी 3,80,000 1 अप्रैल 2014 बाई बैलेंस बीडी
3,80,000। फर्स्ट ईयर का डिप्रिसिएशन 2,00,000, सेकेंड ईयर का 1,80,000। अब प्लांट अकाउंट को भी CDBT कर देते हैं। 31,314,22 बैलेंस CD, 20,00,000 का 20,00,000 रह जाएगा। रीजन है डिप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट में रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, तो ये हो गया आपका बाई बैलेंस CD 20,00,000। इसको 1 अप्रैल 2014, थर्ड ईयर इज द हम लोग का लास्ट ईयर है, इसमें हमको सेल भी करना है, परचेज भी करना है। ठीक है, हम अभी तक वर्किंग नहीं किए, डायरेक्टली बना दिए। चलिए आपको अब वर्किंग दिखा देते हैं। ये देखिए, आप डिप्रिसिएशन अकाउंट बोला है मेंटेन करने को, तो डिप्रिसिएशन अकाउंट में कोई खास एंट्री नहीं है। 31 मार्च 2013 टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन 2,00,000, और ये संग संग बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,00,000। डिप्रिसिएशन अकाउंट में डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड होता है, फिर PL अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। 31 मार्च 2014 को टू प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट 1,80,000, और संग संग बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,80,000। डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा और PL अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। यहां आपको दोनों वर्किंग दिखा देते हैं। डिप्रिसिएशन फॉर 2012-13, हम लोग 20,00,000 का एसेट्स खरीदे थे, तो 20,00,000 का एसेट के ऊपर 10% डिप्रिसिएशन 2,00,000। ये लिखे हम लोग डिप्रिसिएशन फॉर 2013-14, हम लोग का 20,00,000 का एसेट्स में से 2,00,000 डिप्रिसिएशन हो गया, तो 18 बच गया, उसका 10% 1,80,000। ठीक है, आप ये एक बार देख लो। यहां देखो, हम लोग खरीदे थे 20,00,000 का, 10% डिप्रिसिएशन 2,00,000, उसके बाद फिर 10% डिप्रिसिएशन 1,80,000। यहां देखिए, 3 महीना बाद 1 जुलाई 2014 को 4,00,000 वाला कोई मशीन 3,20 में बेच दिया गया। ओके, तो 1 जुलाई 2014 को प्रॉफिट और लॉस का वर्किंग चाहिए। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल, कॉस्ट 1 अप्रैल 2012 को उसका कॉस्ट था 4,00,000, डेप्रिसिएशन 10% 40,000, 360, फिर डेप्रिसिएशन 10% 36,000, 324, 1,414 आ गया, डेप्रिसिएशन 10% 3 मंथ। ओके, 3 मंथ इसलिए क्योंकि 1 जुलाई को ही बेच देगा। थ्री मंथ का आपका आया 8,100। तीन 15,900 सेल वैल्यू आपका दिया हुआ है 3,20,000, 4,100 प्रॉफिट ऑन सेल हो गया। ठीक है, 4,100 हम लोग का प्रॉफिट ऑन सेल आ रहा है। अब यहां एक वर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन मेंटेन करने में एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। जो डिप्रिसिएशन हो गया है वो एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन माना जाएगा। 40, 36 और 8, 100, 84, 100। ओके,
अब इस इनका एंट्री हम आपको करके दिखाते हैं। ये रहा आपका प्रोविजन अकाउंट, 1 जुलाई को जो बेचे हैं उसका थोड़ा सा डेप्रिसिएशन है 8,100। फिर 1 जुलाई को जो बेचे हैं उसका हम लोग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैंसिल करेंगे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लाए हैं 84,100। ये चला जाएगा आपका मशीन अकाउंट के बाई में 1 जुलाई के दिन, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अब उसको बेच दिया जाएगा बाय कैश अकाउंट 3,20। 1 जुलाई को उसको बेचने में प्रॉफिट हुआ था, इसलिए 2 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 4,100। इसका रिजल्ट आपका 4,00,000 आना चाहिए, आ जाएगा। ओके, अच्छा प्लस और एक चीज, उसका डेप्रिसिएशन था जो थोड़ा सा 2 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन में 8,100। ओके, आप यहां फिर से एक बार देख लो, 1 जुलाई के दिन हम लोग 4,00,000 का मशीन 3,20 में बेच दिए, प्रॉफिट लॉस निकाल दिए। 1 नवंबर के दिन एक नया मशीन खरीद लिए 4,80,000 में, तो नया मशीन खरीदे हैं 1 नवंबर, तो 1,11 टू कैश अकाउंट 4,80,000। अब इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे और इस अकाउंट में कुछ नहीं है, ये हो गया आपका 24,84,100। ये 31 मार्च 15 बाई बैलेंस CD 16,80,000 बचेगा, फिर भी अपने चेक करके दिखा देते हैं। 20,00,000 में 4 का बेचे 16, 4,80,000 खरीद लिए 20,80,000। अब हमको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, ये मेरा ओपनिंग बैलेंस है, इसके ऊपर एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3,80,000 है। रिटेन डाउन वैल्यू मेथड में 20,00,000 में से 3,80,000 माइनस करेंगे, प्लस जो बेच दिया गया उसका वैल्यू 3,24,000 माइनस करके डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। यहाँ आप देखो वर्किंग नंबर 4, डेप्रिसिएशन 4,14,15 ऑन 20,00,000 में से प्रोविजन 3,80,000 माइनस करेंगे और सेल का 3,24,000 माइनस करेंगे, जो बच गया उसका 10%। नया खरीदे हैं 4,80,000 का, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीना, तो 4,80,000 का 10%, 4,80,000 का 10%, 5 महीना आपका 20,000। अच्छा 20,00,000 माइनस 3,80,000 माइनस 3,24,000 का 10%, 129,600, 149,600। ओके, ये डेप्रिसिएशन हो गया, बचा हुआ का साल भर, नया वाले का 5 महीना। इसको ले आते हैं प्रोविजन में बाई डेप्रिसिएशन, डेट आपका 31 मार्च 15 बाई डेप्रिसिएशन 149,600। इसको सीडीबीडी करते हैं, 8,100 है, 3,80,000 है, 149,600, 537,700, 537,700 माइनस 84,100, 453,600, 31 मार्च 15
टू वैल्यू ओके। और ये जो डेप्रिसिएशन 149,600 आया है इसको डेप्रिसिएशन अकाउंट में लाएंगे 31 मार्च 50 टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 149,600। और ये सेल का डेप्रिसिएशन पहले से था 157,700। इसको पीएल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे 157,700 31 मार्च 15 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 157,700 ओके। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में कुछ करना नहीं है, एवरी ईयर का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना है, संग संग बाय पीएल में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। प्रोविजन अकाउंट आप देख सकते हो, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन आया सीडीबीडी, सेकेंड ईयर का आया सीडीबीडी, थर्ड ईयर में सेल का डेप्रिसिएशन था तो उसका डेप्रिसिएशन कैंसिल किए, थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन आया सीडीबीडी। मशीन अकाउंट अगर देखो तो मशीन अकाउंट में खरीदेंगे तो टू कैश सीडीबीडी, टू कैश सीडीबीडी, ठीक है। आप बेचेंगे तो बाई प्रोविजन कैंसिल करेंगे, बाई कैश बेचेंगे, प्रॉफिट आया टू में, नया खरीदे थे ओके। सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सॉल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा, ठीक है ओके। थैंक यू, बाय।